जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ रिस्क है. हाउ डू वी मैनेज रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट एज एन इन्वेस्टर? देखिए, आपको जैसे अगर मैनेज करना है तो उसके दो तीन तरीके हो सकते हैं. एक तो आप अपना पैसा फिक्स्ड इनकम या डेट, इसमें कुछ पैसा रखिए और कुछ पैसा इक्विटी में रखिए. बिकॉज इक्विटी मार्केट कई बार एक्सटेंड हो सकता है, कई बार पीरियड आ सकते हैं जहाँ पे प्रॉफिट ना बने, जहाँ पे शायद मार्केट वैल्यू घट जाए, ये भी हो सकता है. आपको अपने पोर्टफोलियो को, जो आपका फैमिली पोर्टफोलियो है, उसकी वैल्यू में वॉलेटिलिटी कम करनी चाहिए. उतार चढ़ाव कम हो, ग्रोथ हो लेकिन बहुत ज़्यादा गिरे भी नहीं. ये जो स्टेबिलिटी है वो आपको आएगी फिक्स्ड इनकम से. फिक्स्ड इनकम क्या होता है, आपने कहीं भी पैसा लगाया जहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है. फॉर एग्जांपल, बैंक में आपको 7-8% का रिटर्न मिल जाएगा. अब 7-8% कम है कि ज़्यादा है, अगर इन्फ्लेशन 4.5% है तो आपको 2.5-3% ज़्यादा एक बैंक FD या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट या इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा. तो आप ये देखिए पहले कि आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसमें कितना हिस्सा ऐसी में है जो इक्विटी मार्केट से लिंक नहीं है. ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो सकता है, PPF हो सकता है, PF हो सकता है, FD हो सकता है, म्यूचुअल फंड के फिक्स इनकम स्कीम्स हैं वो हो सकती हैं, डायरेक्ट बॉन्ड्स हो सकते हैं. इससे आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी. आपको स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, बिकॉज आपके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है. दे कुड बी यू नो सो मेनी फाइनेंशियल गोल्स दैट यू वॉन्ट टू अचीव, एंड कुछ पोर्शन आप इक्विटी में रखिए. जब मार्केट तेजी में होता है तो हमारा एसेट एलोकेशन इक्विटी की तरफ चला जाता है, उसका रुझान इक्विटी से चला जाता है. अब आपको पीरियोडिकली अपना एसेट एलोकेशन अपने रिस्क के हिसाब से आपको उसको ठीक करना चाहिए, उसके लिए रीबैलेंस करना चाहिए. और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लें, बिकॉज वो इस मार्केट में हैं, उनको पता है कि कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, टैक्सेबिलिटी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है. ये सब मद्देनजर रखते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहें पीरियोडिकली. और एक हिस्सा, एक काफ़ी बड़ा हिस्सा आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में रखें, जिससे आपको रेगुलर इनकम आती रहे और वैल्यू ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.